काला पानी की जो जेल थे वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बनाया गया और उसका कार्य जो है 1896 ईस्वी में अंग्रेजों ने शुरू करवा दिया और 1906 ईस्वी में ये काला पानी बन के पूर्ण रूप से तैयार हो गया और इस जेल को जो है भारतीय लोग काला पानी के नाम से जानने लगे, परंतु अंग्रेजों ने इस जेल का नाम सेल्यूलर जेल रखा था और सेल्यूलर जेल जो है भारतीय जो है स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बनाया गया था, उसको कैद में रखने के लिए बनाया गया था और अंग्रेजों ने उस जेल का नाम सेल्यूलर जेल इसलिए रखा क्योंकि उसमें हर मुजरिम को रखने के लिए, हर स्वतंत्रता सेनानियों को रखने के लिए अलग अलग कमरे की व्यवस्था उसमें किया था और इसलिए अलग अलग कमरे की व्यवस्था किए थे कि एक कैदी दूसरे से न मिल सके, क्योंकि जब भारतीय स्वतंत्रता संग्रामी कभी एकजुट होते थे, एक जगह होते थे तो कोई न कोई योजना बनाते थे स्वतंत्रता संग्राम के लिए, अंग्रेजी हुकूमत के लिए कोई न कोई योजना बनाते ही रहते थे। इसलिए जो है अंग्रेजों ने घबरा गया, बफला गया और जो है सबको अलग अलग रखने के लिए उस जेल में जो है अलग अलग व्यवस्था किया गया ताकि एक दूसरे से कोई मिल न सके, इसलिए उस जेल का नाम जो है सेल्यूलर जेल रखा गया था और सेल्यूलर जेल जो है 1906 ईस्वी में बन के तैयार हो गया और उस जेल का जो है कार्य 1896 ईस्वी में शुरू हुआ था।